इसलिए सभी सम्मानित वार्ड सदस्यों से आग्रह है कि 21 जुलाई 2023 को आप लोग निश्चित रूप से 11 बजे इस्तीफा सौंपने के लिए आए। वार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायती राज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार के वार्ड सदस्यों के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर एक निकल कर सामने आ रही है। अब बिहार के वार्ड सदस्य अपने हक अधिकार से वंचित होने के बाद सामूहिक इस्तीफा देने के फिराक में हैं, प्लान बना लिए हैं, बैठके जारी है और कहीं कहीं तो घोषणा भी हो गई है। जैसा कि कुछ जगहों से बातें सामने निकल कर आई है कि 21 जुलाई को सामूहिक रूप से लोग डीएम को अपना इस्तीफा और प्रमाण पत्र सौंपेंगे। कई जिलों में लगातार बैठक होने की सूचना प्राप्त हो रही है, तो अब जो है वार्ड सदस्य इस्तीफा देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास चैनल। अगर चैनल पर आप नए आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, यानी कि सुनील बॉबी 714 इंस्टाग्राम का हमारा आईडी है, उसे जाकर फॉलो कीजिएगा ताकि आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए बताते हैं वार्ड सदस्य को लेकर बड़ी खबर कि अगर आप वार्ड सदस्य हैं तो इस पूरी वीडियो का आप जरूर अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप पूरी बात जानने से वंचित रह सकते हैं, इसलिए अंत तक वीडियो को देखिएगा। बिहार के वार्ड सदस्य अब पूरी तरह से जान चुके हैं कि सरकार हमारे हक और अधिकार से वंचित करना चाहती है, हमारे साथ गलत कर रही है, यह वार्ड सदस्य का कहना है। जिस वादे के साथ में बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमें वार्ड सदस्य पद पर लड़ने के लिए उत्साहित किया था, वार्ड सदस्य बनाया था, वह वैसा तो हुआ नहीं। अलबत्ता नल जल योजना और अन्य कार्यों से भी हमें दरकिनार कर दिया गया, हमारा हक और अधिकार से वंचित कर दिया गया है। जब वार्ड सदस्य का कोई काम ही नहीं है गांव पंचायत वार्ड के विकास में, तो उस पद पर बने रहने का क्या फायदा है। तो लोग अब अपने पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और वह भी इस्तीफा सामूहिक रूप से कर रहे हैं। बात अगर विशेषज्ञों की कर ले तो उनका भी मानना है कि जब काम ही नहीं है तो सरकार को भी वार्ड सदस्य या कोई भी पद सृजित नहीं करना चाहिए और जब पद सृजित किया गया है तो उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन वार्ड सदस्य कहते हैं कि हमारा कोई काम नहीं, मात्र एक नाम रह गया है और अलबत्ता हम लोग को अपने वार्ड में बहुत कुछ सुनना पड़ता है, प्रतिदिन हमें लोगों से बातें सुनने पड़ती है, हमें नीति बेइज्जती होना पड़ता है, सरकार यह काम कर रही है। तो यह हम आपको बता दें, यह भी सुनाएंगे। वीडियो मेरे पास आया है जिले से जो जिसमें वार्ड सदस्य से बैठक किए हैं और बैठक के बाद जुलाई महीने में सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की बात करें, उस वीडियो को हमारे इस बात के बाद में आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार के वार्ड सदस्य जो है अब इस्तीफा देने के मूड बना लिए हैं, जबकि वार्ड सदस्यों को कहा गया था कि वार्ड के विकास को लेकर वार्ड सदस्य भी अपनी भूमिका निभाएंगे। एक तरफ जहां वार्ड सदस्य वादा किया गया था तो दूसरी ओर बिहार के सरपंच साहब से भी वादा किया गया था, कहा गया था, नोटिस दिया गया था कि वार्ड सदस्य जो हैं और वार्ड सदस्य के साथ सरपंच साहब जो हैं वह न्याय के साथ विकास भी करेंगे, तो उन्हें भी न्याय के साथ विकास करने का मौका नहीं मिला है। सरपंच साहब भी अपनी प्लानिंग सेट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यह खबर निकल कर सामने आ रही है कि अभी बिहार के वार्ड सदस्य जो हैं सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। तो सबसे पहले कुछ भी बात कहने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए और आपके मन में क्या विचार आ रहा है कमेंट करके बताइए। आप अगर वार्ड सदस्य हैं तो अपनी एकता को मजबूत करने के लिए भर भर के हर वार्ड सदस्य जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक वार्ड सदस्य जस्ट 10 कमेंट कीजिए अपने हक अधिकार के लिए। वार्ड सदस्य जिंदाबाद जरूर लिखिए, वार्ड सदस्य जिंदाबाद 5 कमेंट 10 कमेंट एकदम भर भर के लिखिए ताकि यह वीडियो वायरल हो जाए और सरकार तक आपकी बातें पहुंच जाए कि आप वार्ड सदस्य सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं। अगर आप वार्ड सदस्य हैं और सचमुच में अपना हक अधिकार पाना चाहते हैं तो वीडियो को खूब शेयर कीजिए और वायरल कीजिए कि सरकार तक आपकी बात पहुंच जाए। तो लीजिए पहले इस वीडियो को देखिए और उसके बाद शेयर कीजिए। रोहतास जिला वार्ड महासंघ की तरफ से आज कोर कमेटी और सभी सम्मानित प्रखंड अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें सभी सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष उपस्थित हुए। सभी का इस रोहतास जिला वार्ड सदस्य संघ के तरफ से आभार प्रकट किया गया और साथ ही साथ वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती,
आज नल जल योजनाओं को पीएचडी के हवाला करने में सरकार की भूमिका, बिना कार्यकारिणी के बैठक की योजना को सरियाम पास कर करोड़ों करोड़ रुपए के गबन और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसी योजनाओं का सरकार की झूठी वादा खिलाफी के खिलाफ आज हम लोग वार्ड सदस्य संघ ने निर्णय लिया है कि यदि वार्ड सदस्य का कोई कार्य ही नहीं है, दरकिनार किया जा रहा है, सरयाम करोड़ों करोड़ का गबन हो रहा है पंचायतों में, पदाधिकारियों की दोहरी नीति ने सरकार को संग तबाह कर रहा है, तो हम लोगों ने एक सामूहिक इस्तीफा पूरे रोहतास जिला वार्ड सदस्य संघ के तरफ से देंगे और इसमें हम सभी सम्मानित वार्ड सदस्यों से आग्रह करते हैं कि 21 जुलाई 2023 को आप लोग 11 बजे दिन में सभी अपने प्रमाण पत्र के साथ कलेक्टर को सामूहिक इस्तीफा सौंपेंगे अपने कारण बताते हुए, और सभी लोग हम लोग अपना नेतृत्व वहीं पर करेंगे, सारे लोग इकट्ठित होंगे, कोर कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे और हम लोग सरकार के इस दोहरी नीति के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे सामूहिक इस्तीफा। इसलिए सभी सम्मानित वार्ड सदस्यों से आग्रह है कि 21 जुलाई 2023 को आप लोग निश्चित रूप से 11 बजे इस्तीफा सौंपने के लिए आए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायत। वार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायती राज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वार्ड सदस्य की बैठक की वीडियो आपने सुना, देखा, जाना, समझा, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जुलाई महीने में हम सामूहिक इस्तीफा सौंप देंगे कलेक्टर को और सामूहिक लोगों को बुलाने का भी आग्रह किया है। तो जिस जिला से यह आग्रह किया गया वहां के लोग वहां पहुंचे और किस तरह से होता है, तो यह सरकार के खिलाफ यह बात जो है सामूहिक इस्तीफा हक और अधिकार की बात को लेकर अब वार्ड सदस्य इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके बताइए। आप वार्ड सदस्य हैं तो वार्ड सदस्य जिंदाबाद जरूर कमेंट में 10-10 लिखिए ताकि यह वीडियो हर लोग तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। आप वार्ड सदस्य तो अपने सभी ग्रुपों में, सभी लोगों के पास ग्रुपों में भेजिए, शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, धूम के शेयर कीजिए कि सरकार तक आपकी बातें पहुंच जाए। तो बस वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। कैमरे के पीछे मिस्टर साहिद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रोहतास जिला वार्ड महासंघ के तरफ से आज कोर कमेटी और सभी सम्मानित प्रखंड अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें सभी सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष उपस्थित हुए। सभी का इस रोहतास जिला वार्ड सदस्य संघ के तरफ से आभार प्रकट किया गया और साथ ही साथ वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती, आज नल जल योजनाओं को पीएचडी के हवाला करने में सरकार की भूमिका, बिना कार्यकारिणी के बैठक की योजना को सरियाम पास कर करोड़ों करोड़ रुपए के गबन और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसी योजनाओं का सरकार की झूठी वादा खिलाफी के खिलाफ आज हम लोग वार्ड सदस्य संघ ने निर्णय लिया है कि यदि वार्ड सदस्य का कोई कार्य ही नहीं है, दरकिनार किया जा रहा है, सरयाम करोड़ों करोड़ का गबन हो रहा है पंचायतों में, पदाधिकारियों की दोहरी नीति ने सरकार को संग तबाह कर रहा है, तो हम लोगों ने एक सामूहिक इस्तीफा पूरे रोहतास जिला वार्ड सदस्य संघ के तरफ से देंगे और इसमें हम सभी सम्मानित वार्ड सदस्यों से आग्रह करते हैं कि 21 जुलाई 2023 को आप लोग 11 बजे दिन में सभी अपने प्रमाण पत्र के साथ कलेक्टर को सामूहिक इस्तीफा सौंपेंगे।